बॉर्डर पर धमाके की साजिश। किस तरह पूरा जंगल धुआं धुआं हुआ है। बॉर्डर पर दुश्मन का भेड़िया। शैतानों को कुचल दो। साजिश की एक कहानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है, और यह कहानी किसी और की नहीं, पाकिस्तान की है। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉर्डर से लेकर कश्मीर की घाटी तक पाकिस्तान की साजिश का वो सच, जिसने उसके असली चेहरे को कर दिया है बेनकाब। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर लगातार फायरिंग। ये आज सुबह से जो फायरिंग हुई है उसके चलते यहाँ पर ये जंगलों में आग लग गई है, और जिसके बाद ये जंगल ददक रहे हैं। कश्मीर की घाटी में लूट और हंगामा। कश्मीर में आतंकियों का फैलता नेटवर्क और सेना के जवानों पर आतंकियों का हमला। सरहद हो या फिर कश्मीर की घाटी, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हर साजिश अब खुलकर सामने आ रही है। कश्मीर में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की शहादत इस साजिश की सबसे नई कड़ी है। लेकिन अब पाकिस्तान की साजिश और उमर फैयाज की शहादत का लिया जाएगा सबसे बड़ा बदला। पाकिस्तान सीमा पर बार बार फायरिंग कर सेना को उकसा रहा है, और दूसरी तरफ घाटी में छुपे आतंकी सेना के जवानों पर कर रहे हैं कायराना हमले। 3 दिन पहले ही सेना के एक नौजवान अफसर लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को निशाना बनाया गया। उमर फैयाज की शहादत से सारा देश गुस्से में है, और उमर की शहादत मांग रही है बदला। यहाँ एक उमर फैयाज नहीं, घाटी फैयाजों की टोली है। अमन चमन के लिए मैंने तो अपनी कुर्बानी दे दी, अब तय कश्मीरियों को करना है कि घाटी में किलकारियां गूंजें या बंदूकें, हाथों में पत्थर हों या गुलाबी सेब। तय करना होगा यहाँ कायर रहेंगे या दलेर, बुरहान बानी रहेगा या उमर फैयाज हिंदुस्तानी। मैं उमर फैयाज हिंदुस्तानी। ये आवाज भले ही लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की नहीं है, लेकिन इस वीडियो में उठाया गया हर सवाल आज हर हिंदुस्तानी, हर कश्मीरी के मन में गूंज रहा है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को कुछ उग्रवादियों ने जिस तरह धोखे से अगवा करके मार दिया, उससे पूरा देश गुस्से में है। ऑफिसर को मार के उन लोगों ने एक दिया को बुझाया है, एक दिया जो इस इलाके में रोशनी फैला रहा था, वो दिया जो हजारों दिया को और जला सकता था और इधर एक अलग लहर लेके आ सकता था। कश्मीर घाटी के कुलगाम के रहने वाले लेफ्टिनेंट उमर फैयाज अपने इलाके के युवाओं के रोल मॉडल थे। जहां कुछ युवाओं के हाथ सेना पर पत्थर बरसाने के लिए उठते हैं, वहीं फैयाज ने देश की रक्षा का जिम्मा उठाया था। यही बात उन कायरों को पसंद नहीं आई जो घाटी में अमन नहीं चाहते, और उन्होंने धोखे से अगवा करके उनकी हत्या कर दी। तो बहन उन्हीं बीच में बैठा हुआ, उनने कहा कि 2-3 आया, उनने कहा क्या नाम है, उनने नाम बताया, बेटा बात करना है बस, तो उनको गन दिखाए। छुट्टी लेकर अपनी ममेरी बहन की शादी में शोपियां आए लेफ्टिनेंट उमर को जिन आतंकियों ने मारा, सेना ने उन्हें सबक सिखाने का वादा किया है। जो भी मिलिटेंटों ने ये जो कार्रवाई किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, और ये कार्रवाई हमारा तरीके से होगा और जल्द होगा। उमर फैयाज, ये वो नाम है जिसने देश के नाम अपनी जान कुर्बान कर दी। उमर के नाम से सोशल मीडिया में एक संदेश वायरल हो रहा है, आप भी जरा गौर से सुनिए। उमर फैयाज कुलगांव के सोटसोना गांव का रहने वाला, मेरे वालिद एक किसान, मैं उनका इकलौता बेटा। मेरा शौक हॉकी खेलना, अभी 8 जून को मैं 23 पार करने वाला हूँ। ये मेरी माँ जमीला है, पर ये रो क्यों रही है? क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मेरा कसूर क्या था? बस इतना भर
कि मैं कश्मीरी होकर भी हिंदुस्तानी था। मेरी माँ मेरी बहन की शादी होने वाली थी, उसने कहा शादी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तुम्हें आना ही होगा। इसलिए मैंने इंडियन आर्मी में भर्ती के बाद पहली बार छुट्टी ली थी। राजपूताना राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट 10 दिसंबर 2016 को ही मेरी कमीशनिंग हुई थी, लेकिन कश्मीर के दुश्मनों को मेरे आने की खबर लग गई। कुछ हथियारबंद नकाबपोश मेरी बहन के सामने ही मुझे ले गए और अगले रोज़ गोलियों से छलनी मेरा शरीर शोपियाँ के हरमन चौक पर मिला। मेरे कातिल कौन थे? मेरे खून के दाग किसके दामन पर लगे? वो कौन थे जो एक कश्मीरी और कश्मीरियत के दुश्मन थे? मेरी शहादत के ज़िम्मेदार न पाकिस्तानी थे न हिंदुस्तानी, वो मेरे अपने मेरे कश्मीरी थे। जिनकी हिफाजत की मैंने कस्में खाई थी वो ही मेरे खूनी निकले। ये महज मेरे दुश्मन नहीं, ये पूरी घाटी के दुश्मन हैं। ये वो हैं जो कश्मीरियत को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। फ़ौज मेरे जैसे नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर कर रही है और ये जिहादी कश्मीरियत के बिलमुकाबिल मैं मशकूक नहीं मेरे कातिलों को मुनसिफ इंसाफ देगा। घाटी के बाशिंदे डरेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि डर के आगे जीत है, कश्मीरियत की जीत। यहाँ एक उमर फयाज नहीं, घाटी फयाजों की टोली है। अमन चमन के लिए मैंने तो अपनी कुर्बानी दे दी, अब तय कश्मीरियों को करना है कि घाटी में किलकारियां गूंजें या बंदूकें, हाथों में पत्थर हों या गुलाबी सेब, टोलियां उठें या जनाजे निकलें, घाटी जन्नत बने या जहन्नुम। तय करना होगा यहाँ कायर रहेंगे या दलेर, बुरहान बानी रहेगा या उमर फयाज हिंदुस्तानी। मैं उमर फयाज हिंदुस्तानी। शहीद उमर फयाज किन आतंकियों का निशाना बने उसकी तलाश में कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल वो आतंकी पाकिस्तान की साजिश के मोहरे हैं। पाकिस्तान एक ओर आतंकियों को शह दे रहा है तो दूसरी ओर सीमा पर गोलीबारी करता है। अब हम आपको ले चलते हैं बॉर्डर पर, जहां एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई है पाकिस्तान की करतूत। एबीपी न्यूज आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। यहां पर लगातार पाकिस्तान मोर्टार बरसा रहा है। फायरिंग किस तरह से हो रही आप देख रहे हैं, लगातार आवाजें भी आप सुन पा रहे हैं। ये है पाकिस्तान की करतूत। 100 बम के बीच 80,000 हिंदुस्तानी जान हथेली पर लेकर रिपोर्टिंग लाइव। जान बचाने के लिए बंकर में घुसते लोग, पाकिस्तान की गोलीबारी से धुएं की दीवार में घिर गए हरे हरे ऊंचे पेड़ और पहाड़। बम के गोलों से बचने के लिए भागते बच्चे, पाकिस्तान के धमाकों से जंगल में लग गई आग। सड़क पर चारों तरफ पसरा है सन्नाटा और इन सब के बीच जान की हिफाजत के लिए एक महीने के बच्चे को गोद में लेकर घर पर बैठी है एक माँ। पाकिस्तान का अत्याचार देखने से पहले आप इस एक महीने के बच्चे को देखिए और फिर सोचिए किस मुश्किल में इस माँ ने बच्चे को सुलाया होगा और कैसे उसके दिल में मौत की दहशत भरी होगी। छोटा बच्चा है, गोद में रखा हुआ है, अब बाहर तो फायरिंग हो रही है, सो नहीं रहा था, अब बाहर तो गोलू की आवाज आ रही है, अंदर मुश्किल से सुलाया इसको। ये है एलओसी के पास भवानी गांव, जहां पाकिस्तान ताबड़तोड़ गोले दाग रहा है। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पहाड़ों के पीछे है पाकिस्तानी सेना और गोलाबारी के बीच
जान हथेली पर लेकर रिपोर्टिंग करने पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू। एबीपी न्यूज आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। हम इस समय जम्मू के नौशेरा सेक्टर के भवानी गांव में हैं और इस गांव से आगे हमें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। फायरिंग किस तरह से हो रही है आप देख रहे हैं, लगातार आवाजें भी आप सुन पा रहे हैं। ये जो धुएं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन मोर्टार शेलों का असर है जो लगातार पाकिस्तान इस तरफ बरसा रहा है। अभी तक लोग बाहर ही फंसे हैं, घरों अभी तक अपने अपने घरों में नहीं पहुंच सके। जो ये दो कैजुअल्टी हुई हैं, ये भी कहीं खेतों में थे बेचारे, बाहर से बाग के अंदर जा रहे थे, इन बिटवीन आके शेल गिरा, उनकी मौत होगी। पाकिस्तान का अत्याचार कैमरे में रिकॉर्ड करने आए अजय बाचलू इस गांव तक इसलिए पहुंचे ताकि आप ये जान सकें कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान जो पर्दे के पीछे से करता है, वो कैसे खुली आंखों से जम्मू के इस नौशेरा सेक्टर में नजर आ रहा है। अब आपको और करीब से दिखाते हैं बम मारते पाकिस्तान का चेहरा। देखिए किस तरह से पाकिस्तान लगातार इस इलाके में फायरिंग कर रहा है और इस फायरिंग के बाद किस तरह पूरा जंगल धुआं धुआं हुआ है। मोर्टार के शेल गिराए जा रहे हैं और उसके बाद क्या हश्र हो रहा है यहाँ के इलाकों का, ये आप देख सकते हैं। और ये शेल रिहायशी इलाकों के कुछ ही दूर आकर गिरते हैं, ऐसे में खौफ और डर यहाँ पसरा हुआ है। हाँ डर तो है, बच्चे अंदर हैं, खाना भी सुबह से खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, तो डर तो है। इस इलाके में पाकिस्तानी सेना पीओके के भिंबर और कोटली से फायरिंग कर रही है। भवानी गांव में 501 परिवार के 2500 लोग लगातार दहशत में हैं। ऐसे ही एक घर की छत से एक बार फिर देखिए बम के धुएं का गुबार। खौफ के साए में अजय बाचलू ने इस इलाके की दहशत बताई है। मैं सुरक्षा के तहत इस दीवार के आगे खड़ा हूं और आप ऊपर देख सकते हैं जहां ये काला गुबार है धुएं का, यहां अभी अभी पाकिस्तान का एक मोर्टार आकर गिरा है। और आप दरअसल ये जो पहाड़ की चोटियां हैं ये विभाजित करती है भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को। उस तरफ भिंबर और कोटली का इलाका है जहां से लगातार पाकिस्तान आज सुबह 7:30 बजे से गोले बरसा रहा है। इतनी करीब की तस्वीरें देखिए, लगातार यहां पर शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से और यहां पर भी रहना खतरे से खाली नहीं है। इन तीन घरों की छत पर पहुंचकर अलग अलग जगहों से आप पाकिस्तान की बमबारी देख सकते हैं, लेकिन इन घरों में रहने वालों का क्या हाल है ये भी आपको देखना जरूरी है। जान बचाने के लिए घर के लोग स्टोर रूम में आकर वक्त काटने को मजबूर हैं। चौधरी रामजी का परिवार है, सुबह से यहाँ पर फायरिंग हो रही है और फायरिंग जब सुबह 7 बजे शुरू हुई तो इस फायरिंग ने इस परिवार को यहाँ से सुरक्षित जगह पर जाने का मौका तक नहीं दिया। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर पूरा सामान ये परिवार पैक कर चुका है। ये घर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इस स्टोर रूम में बैठे हुए हैं। बच्चा अंदर ले हुआ है स्टोर रूम में, वहाँ पे रखा हुआ है, छोटा बच्चा है, गोद में रखा हुआ है। बाहर तो फायरिंग हो रही है, नहीं सुवाला मुश्किल से है, इसको सो नहीं रहा था, अब बाहर तो गोलू की आवाज आ रही है, अंदर मुश्किल से सुलाया इसको। यही वजह है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और पुलिस ने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है और 2 मंजिला घरों में छिपने की हिदायत दी है ताकि बम के गोले ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंचाएं और जान बची रहे। मैक्सिमम लोग जो हैं डबल स्टोरी के जो मकान हैं उनके नीचे मैक्सिमम रह रहे हैं ताकि ऐसा कोई ऊपर से कोई शेलिंग वगैरह हो तो ऊपर वाला फ्लोर जो है छत उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो लोग यहाँ पर बॉर्डर वाले एरिया हैं, इनकी अपनी पुरानी कोई जगहें बनी हुई हैं जो इनको सेफ लगती हैं, उसी हिसाब से ये अकोमोडेट अपने आप को करते हैं। तो ये हालत तो भवानी गाँव की है, लेकिन यहीं से 5 किलोमीटर आगे है जंगल इलाका जहाँ पाकिस्तानी मोर्टार ने एक पिता और बेटी की जान ले ली है। ये है 120 mm का वो पाकिस्तानी मोर्टार जो एक परिवार को तबाह कर गया। एक शेल जो मेरे इस समय बाएं हाथ में है, ये जो शेल है ये वो शेल है जहां जिस परिवार में गिरा तो 2 लोगों की जानें चली गई। ये वो दूसरा शेल है, ये उस घर के अंदर आके गिरा, यहां के लोग घायल हो गए हैं, बहुत तबाही हुई है। पाकिस्तान में वो दम तो है नहीं कि भारतीय सेना के साथ सीधी टक्कर वो ले सके, लेकिन सिविलियन एरियाज को पाकिस्तान ने टारगेट किया है। 120 mm का मोर्टार 13 किलोमीटर दूर तक वार करता है और जिस जगह पर वो गिरता है वहां 50 मीटर के इलाके को पूरी तरह से तबाह कर देता है।
इसी जंगल इलाके में दो दिन पहले भी पाकिस्तानी बमों ने एक स्कूल को तबाह कर दिया था। सीमा से लगे नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी से इलाके में रहने वाले लोग दहशत में हैं। लेकिन पाकिस्तान दहशत फैलाने के साथ एक बड़ी साजिश को भी अंजाम देना चाहता है और यह साजिश है घुसपैठ की। जहां हर वक्त तबाही सर पर मंडराती है, जहां किसी भी वक्त आसमान से बरसने लगते हैं बम, चौबीस घंटे इस खतरे से घिरा है जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में नौशेरा तहसील, जिसकी 34 पंचायतों में 80,000 की आबादी रहती है। बताया जाता है कि सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारतीय सैनिक नौशेरा सेक्टर पार करके पीओके में घुसे थे। पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह किए थे, इसलिए पाकिस्तान नौशेरा सेक्टर को लगातार निशाना बनाता रहता है। इस साल अब तक सीज फायर तोड़ने की 71 घटनाएं हुई, जिसमें से 47 सिर्फ नौशेरा सेक्टर में हुई हैं। इन पहाड़ों से घुसपैठ में आतंकियों को आसानी होती है, इसलिए घुसपैठ कराने की आड़ में पाकिस्तानी सेना सीज फायर तोड़ती रहती है और निर्दोष नागरिकों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। नौशेरा में हमारे पास 8 विलेजेस हैं जो बैडली अफेक्टेड हैं और मंजाकोट में भी लगभग 9 विलेजेस हैं जो अफेक्टेड हैं। लगभग 200 के आसपास लोग हमारे पास अभी तक कैंप्स में पहुंचाए जा चुके हैं। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी हरकत का लगातार जवाब दे रही है, लेकिन अब जरूरत जवाब देने की नहीं बल्कि पहले वार करने की है, ताकि आम नागरिकों की हो रही मौत का बदला लिया जा सके। सनसनी के लिए जम्मू से नौशेरा सेक्टर से अजय बाचलू की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।